राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल कल्याण सिंह ने सुबह 11 बजे जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेसी विधायकों और निर्दलीय विधायकों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। सत्र शुरू होते ही निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा किया। इस दौरान राज्यपाल अपना पूरा अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए थे। अभिभाषण का अंतिम पैरा पढ़ने के बाद इसे पूरा पढ़ा हुआ मान लिया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही विधायकी कार्य शुरू हुए, वैसे ही भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए हाल ही आए अनेक लोक सेवकों संबंधी कानून पर बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने भी इस कानून को लेकर राज्य सरकार को घेरा। इसी बीच कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा भी बोलने लग गए। इस पर उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस तरह का कानून महाराष्ट्र में पारित करवा चुकी है। इस पर डोटासरा ने कहा कि आप राजस्थान की बात करो, यहां काले कानून ने अपना कार्य शुरू कर दिया है और भाजपा 17 विधानसभा सीटों पर जीरो हो गई है। इसके बाद गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि जिस कानून को काला बताया जा रहा है वह पहले ही लैप्स हो चुका है, लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट आनी बाकी है। अब प्रवर समिति की राय के अनुसार ही निर्णय होगा। वहीं काले कानून के खिलाफ भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने वॉकआउट किया। बाद में प्रवर समिति के समय को बहुमत के साथ बढ़ाया गया।